अर्जीत आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकर सुहानी जुड़ी रहूंगी आपके साथ एंड तक। तो आज हमारे पास जो खबर है विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के कर कमलों से संपन्न हुआ। उसके बाद साखी रिसोर्ट में लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि सोमवार को अंजर रोड स्थित सरस्वती नेत्रालय के पास लोकसभा क्षेत्र खरगोन बड़वानी का चुनावी प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा फीता खोलकर किया। पश्चात कार्यालय में श्री देवड़ा ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, लोकसभा प्रभारी सुभाष कोठारी, लोकसभा संयोजक अंतर सिंह आर्य व बड़वानी एवं खरगोन भाजपा जिला अध्यक्ष द्वय कमल नयन इंगले व राजेश राठौर के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का शुभारंभ किया। पश्चात साखी रिसोर्ट में लोकसभा स्तरीय विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि रहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में सभी लोग एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकर्ताओं की बदौलत आज पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंची है। हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, जिन्होंने जो सपने देखे थे वो आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया। हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश सेवा के लिए कार्य करती। वही के अनेक जनप्रतिनिधिगण व पदाधिकारीगण मंचासीन रहे व हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। आरंभ में हमारे बीच भारतीय जनता दल के प्रभारी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हम सबके मार्गदर्शक हमारे बहुत वरिष्ठ हैं। सभी संगठन के हमारे प्रिय कार्यकर्ता है, मंच पर बैठे वो भी कार्यकर्ता। आज शुभारंभ हुआ है और आज इस कार्यालय के प्रारंभ से इस खरगोन बड़वानी लोकसभा के विकसित भारत संकल्प के साथ अध्यक्ष कोई सरकार में मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, ये पार्टी की व्यवस्था। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।